बाहर में है, दिखाने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है। खुश नसीब है वो जो दिल में किसी को जगह देते हैं, खुश नसीब है वो जो दिल में किसी को जगह देते हैं, बेचैनी सहकर भी लोगों को हंसना सिखा देते हैं। लाख चाहे दुनिया वाले बदनाम उन्हें करना, लाख चाहे दुनिया वाले बदनाम उन्हें करना, लेकिन अपनी सादगी से लोगों को दिल में जगह बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा स्नैक रेस्क मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग जो है मैनका से पासी टोला हम लोग आए हुए हैं। इनके यहाँ कोई सांप छुपा, क्या नाम हुआ आपका? दिलीप जी हो गए। इनके यहाँ कोई सांप छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं विशाला सांप या विशेन सांप, कह रहे हैं कि ईटा में छुपा हुआ। चलिए सर्च कर देखते हैं, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहें। वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए चलिए बताइए तो, चलिए चलो चलो आगे चलो। आ जाइए इधर से, है आजा बुआ, आजा तू भी आजा। चलिए किधर, इसमें। चलिए इनका कहना है कि सांप जो है कि प्रत्येक दिन निकल रहा है, प्रत्येक दिन निकल रहा है सांप डेली। और इनका यह भी कहना है कि सांप जो है कि बकरी का जो है ना कि बकरी पे जो है ना कि वो अटैक करने की कोशिश किया, लेकिन जो है कि बाल बाल बकरी बच गया है। लेकिन देख रहे थे कि ये सांप कोबरा ही है, और इनका कहना है कोबरा सांप ही है। चलिए अब हम लोग सर्च करते हैं। और कोबरा सांप अमूमन जो है कि इंसान के घर में जो है कि मूसा खाने के लिए जो है कि अमूमन आ जाते हैं। और अभी के समय जो है कि उसको मेटिंग करने का भी समय है, और अभी के समय ही जो है कि वो अपने पेट में जो है कि 3 महीने के समय तक अंडा जो है कि अपने पास रखता है। उसके बाद जो है कि अंडा को ऊंचा स्थान देखता है, उसके बाद वहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद जुलाई के समय में जो है स्नैक डे भी मनाया जाता है, जो आप लोग को पता है। और जुलाई के समय ही उसमें से बच्चा निकलना चालू कर देता है, और अभी वो समय भी नज़दीक उस सबका आ गया है। और इनका कहना है इतना ही दूर भर में है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ईंटा बहुत सारा है, और पहले तो थोड़ा सा हम लोग हटा कर देखते हैं कहीं कुछ दिख जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हमें जो है कि आभास नहीं हो रहा है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन ईंटा में जगह बहुत सारा है, तो कुछ भी हो सकता है लग रहा है। लेकिन क्या किया जाए, वो जीव ही ऐसा है जिसे जो है कि देखकर लोगों को डर लग जाता है। इसके कारण थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता कि स्नैक रेस्क्यू करने में कितना मेहनत होता है। और है यहीं पे, और ये बिग साइज का कोबरा है। हाँ, और ये जो है ना कि कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे हम लोग जो है कैच कर लेते हैं, ताकि ये जो है यस। और इसे हम लोग यहाँ से, और ये देखिए आपको, और देखिए दिखाने की हम कोशिश करते हैं आपको। हम तो मनीष जी यहाँ दिखाइए, ये जो है ना कि ये सांप जो है ना कि मेल है, इसका लिंग जो है कि देख सकते हैं कि बाहर में है, दिखाने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है। नई स्टिक दीजिए, चलिए आ जाइए। और ये देख रहे हैं कि मिल गया है, और ये बिग साइज का कोबरा। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, पहले चलिए बाहर चले। इधर दिखाइए माता जी को हमारे, जहाँ जाए जाए के हम तक खुशी से चल जाओ। आधी आप पिता के ना कुछ बिगाड़ा, हम अहो 2 दिन से ना बहुत बिगाड़े तो हम।
चलिए आइए बाहर आइए बाप। और देख सकते हैं कि कितना प्रश्न आया, और आपको बताया भी है कि ये सांप जो है कि इससे पहले भी हम आप लोग को थोड़ा सा समय लेते हैं, इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि ये देखिए किस तरह से बाइट करने की कोशिश कर रहा है, और ये देखिए किस तरह से ये लाजवाब बाइट करने की एकदम बाइट करने के फिराक में है। और ये देखिए किस तरह से जो है, ये देखिए किस तरह से जो बाइट करने के फिराक में है, हमेशा बाइट करते रहते हैं, और ये एकदम एग्रेसिव मूड में है, ये अभी एकदम एग्रेसिव मूड में। चलिए देखिए सांप, ये सांप जो है कि कोबरा सांप है, और ये आप लोग जिस तरह से प्रणाम पाती कर रहे थे वो अच्छी बात है, करना चाहिए, हिंदू धर्म में है वो, मैं आप लोग को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा कि नहीं करना चाहिए। ये एक जीव है, और ये एक ऐसा जीव है बेजुबा जीव है जो बोलता नहीं है कि मुझे दर्द होता है, ये ऐसा बोलता नहीं, इसलिए लेकिन इसे हम मारते हैं तो इसे हमें भी दर्द हो, इसे भी दर्द होता है जिस तरह से हमें दर्द होता है। और सांप जो है कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, सांप को जो है कि बचाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सांप को जो है ना कि हम लोग जो है ना कि रेस्क्यू के दौरान जो है ना कि इसको रेस्क्यू करने के बाद सही सलामत इसको वन विभाग के पास दे देते हैं, या फिर लोगों से काफ़ी दूर जहाँ पे कहीं इंसान नहीं हो वहाँ पर जो है इस सांप को जो है कि हम लोग रिलीज कर देते हैं। और देखिए बहुत ही लाजवाब एकदम अपने एग्रेसिव मूड में, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपको पता नहीं चलेगा कि छुए हुए है या नहीं छुए। अच्छा लंगड़ी से पता चल रहा है, वो आप देखे हैं या सुने हैं आप बताइए। हम जब सांप के साथ हम खेल रहे हैं, सांप के बारे में मुझे जानकारी है तब जाकर मैं ये कर रहा हूँ, बात आ जाएगी। देखिए चलिए आप लोग के पास हम आते हैं, जो सारे लोग जो है कि पूछते हैं उनको बताना चाहते हैं, रुक जाइए कुल थोड़ा सा इससे हम हैंडल कर ले अपने तरीके से। और ये दिखाइए मनी जी, यहाँ पर जो इसे हम सांप का फेस पकड़ना नहीं चाहते थे लेकिन आप लोग को दिखाना जरूरी है क्योंकि जानकारी जो है हाँ। और हमारे जो है कि व्यूवर हमारे गोविंद जी है जो बार बार कहते हैं कि दिखाने के लिए, देखिए सांप मेल और फीमेल सांप को हम लोग जो है कि देखकर नहीं पहचान सकते, फेस से नहीं पहचान सकते, जब तक हम लोग उसको जो है कि वैज्ञानिक परिधि के हिसाब से उसको हम लोग पकड़ेंगे नहीं, फेस पकड़ने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सांप जो है ना कि देखिए यहाँ पे ये मेल सांप हो गया, मेल सांप के पास ये रहता है और फीमेल सांप जो रहता है उसके पास जो है कि ऐसा लिंग जो है कि नहीं रहता है, इसलिए आप लोग को कोई अगर बताता है कि फेस देख के या पूछ देख के या मुंह देख के हम बता देंगे कि सांप फीमेल है या मेल है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए इसको हम लोग जो है कि रिलीज करते हैं। और तीत भी देखिए यहाँ पे आप लोग को दांत दिखना चाहते हैं, वो कमची तोड़ के लाइए तो हाँ ठीक है, एक तोड़ के लाइए दांत, वो क्लियर बुझा रहा है। देखिए दांत क्लियर नहीं बुझाता है, दांत जो है ना दांत जो है ना कि बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना तेज जो है ये यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे एक दांत यहाँ रहता है और एक दांत जो है ना देखिए यार एक दांत यहाँ रहता है और यहाँ पे और ये 20 दंत हो गया और यहाँ पे दिखाई मानी जी 6 लेयर में जो हम दांत बताते हैं और यहाँ पे जो ना ये लेयर हो गया ये लेयर हो गया तो इसका जो है ना कि 4th लेयर में दांत हो गया 2 लेयर ये 20 दंत हो गया और बाद बाकी बीचों बीच जो रहता है ना उससे जो है ना कि अपने आहार को जो है ना कि दबोच कर जो है कि अपने अंदर पेट में जो है कि रखने के लिए होता है। चलिए इसको हम लोग सही कर देते हैं, हटिए आ जाइए। चीज बहुत आसान है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बचाने वाला जो है कि होना चाहिए मारने वाला नहीं। धरती पर हमारा सांप के लिए जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग को पता नहीं है कि सांप कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको जीव जंतु से हमारा पढ़ाई है। नहीं ये फिर से जो है कि जंगल में ही जाएगा, और आप लोग को पता नहीं है कि सांप कितना महत्वपूर्ण है लेकिन हमारा पढ़ाई जो है कि जीव जंतु से ही, बीए हमारा जो है कि बीए जीव जंतु से है तो हमें पता है कि ये सांप जो है कि हमारे महत्वपूर्ण कितना है हमारे पर्यावरण के लिए, आपके लिए आपके लिए आपके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। ये क्या विलम्ब क्यों हो रहा है?
अरे एकदम अपने आक्रामक मूड में। हाँ लीजिए। चलिए इसी का है। हाँ उसका देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए ठीक है, और डब्बा भी आ गया हमें, हम लोग अधिक इंतजार नहीं करते, अधिक इसके साथ जो है कि डेंजर बहुत ही एकदम एग्रेसिव मूड में है। चलिए इसको हम लोग सही सलामत इसको डब्बे में पैक करते हैं और इसको सही सलामत जंगल में जाकर छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अभी सांप जो है कि बहुत ही भूखा है, क्योंकि सांप को जो है कि खाना अति आवश्यक अभी मिलना जरूरी। चलिए इसको सही सलामत हम लोग डब्बे में पैक कर लिया और इसको सही सलामत जंगल में जाकर छोड़ देंगे या फिर वन विभाग को जाकर दे देंगे। वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रस को मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।